साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। आत्म भाव से सबको देखे ऐसा जीवन मुक्त फकीर, जो भी कहे वो आत्म शक्ति से हो जाए पत्थर पे लकीर। आत्म भाव से सबको देखे ऐसा जीवन मुक्त फकीर, जो भी कहे वो आत्म शक्ति से हो जाए पत्थर पे लकीर। राम की आस में निकले थे आंसू मल था नाम, परम तत्व से डोर बंद गई बन गए आशा राम। आत्मानंद में डूबने वाले बन जाते हैं अजब अमीर, जो भी कहे वो आत्म शक्ति से हो जाए पत्थर पे लकीर। था उमल जी शिरु मलानी उस बालक के पिताजी थे, माता जी मंगी बा सचमुच महंगी बा माता जी है, भविष्यवाणी ऐसी हुई कि यह नहीं साधारण संतान। महाकाल यह देखेगा कि एक दिन होगा संत महान, सुख संपत्त में रहने वाले एक दिन हो गए वो कंगाल। घर वैभव सब पीछे छूटा, छूट गया खुद जन्म का स्थान। कहाँ सिंध और कहाँ नगरिया, नगर औद्योगिक अहमदाबाद, आए बसे और पढ़ने को गए जय हिंद हाई स्कूल विद्याधाम। पढ़ाई में न रुचि थी इनकी, लिखा पढ़ी में लगे ना ध्यान। ढाई अक्षर पढ़े प्रेम का वही बने इंसान महान। मातृ आज्ञा लेकर निकले ढूंढने को वो श्री भगवान, कष्ट सहे पर उफन कहे जो वही बने हैं संत महान। फागुन माह में त्याग दियो घर, आए वो वृंदावन धाम। कृष्ण कृपा से नैनीताल में सदगुरु मिले लीलाशानम। ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु ने बदली जीवन की तस्वीर, जो भी कहे वो आत्म शक्ति से हो जाए पत्थर पे लकीर। गुरु आज्ञा से दूह प्रवेश कर, पाए दो अमृत वरदान। नारायण और भारती देवी माता लक्ष्मी की संतान। शुभ्रमती के तट पर घूमते घूमते आए वे एक स्थान। श्री चरणों से मोटे राम आश्रम बना है पावन धाम। मानव जीवन का विकास ही ध्येय इनका एक महान। हर जाति हर धर्म के व्यक्ति आए पाए निज कल्याण। भारत भर में आश्रम बन गए जहाँ पूज्य श्री करे निवास। संतन को बंधन ना कोई, संत पुष्प है संत सुहास। आप श्री के उपदेश की गंगा बहे हमेशा चारों धाम। धन्य धन्य है भक्त का जीवन, परम पावन तेरा है नाम। प्यार से देखे और मुस्काए बदली भक्तन की तकदीर। आत्म भाव से सबको देखे ऐसा जीवन मुक्त फकीर,
ऐसा जीवन मुक्त फकीर, ऐसा जीवन मुक्त फकीर। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।